सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का योग शक्ति कार्यक्रम में और मैं हूँ कुसुम प्रसाद। आप सभी देख रहे हैं प्रधानमंत्री ई विद्या चैनल नंबर 6 से 12 और हमारा यूट्यूब चैनल NCERT ऑफिशियल। योग शक्ति कार्यक्रम में हम बात करते हैं योग की, योग के महत्व की और योग क्रियाओं का अभ्यास कराते हैं, योग विषय पर हम चर्चा करते हैं। और इस योग शक्ति कार्यक्रम में हम विभिन्न आयु वर्ग के लिए समय समय पर अलग अलग विषय लेकर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं ताकि सभी आयु वर्ग इससे लाभान्वित हो सके। और हम आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम योग शक्ति मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और NCERT के सहयोग से प्रस्तुत किया जा रहा है। तो हम बात करते हैं विभिन्न विषयों की, तो आज भी हमारा एक खास विषय है। हम बता दें आज विषय है हमारा योगा फॉर हेल्थी जॉइंट्स। तो यदि आपको किसी तरह की जॉइंट संबंधित कोई परेशानी है या कहीं कोई शरीर में दर्द है, कहीं कोई पेन है, तो ये सत्र विशेष रूप से आपके लिए। आप इसे पूरा देखें, शुरुआत से लेकर अंत तक इस सेशन में बने रहें इस सत्र में, और इससे आपको लाभ मिलेगा क्योंकि हमारा टॉपिक है योगा फॉर हेल्दी जॉइंट। तो इसके लिए हम आपको बता देते हैं विभिन्न माध्यम जिसके जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर पे 8800440559 पर। हम आपके टीवी स्क्रीन पर ये फ्लैश हो रहा है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है mdny@yahoo.co.in। इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए। और कोई भी समस्या है आज के टॉपिक से संबंधित तो आप हमें इन मैसेजेस कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। और एक बात और बता दें, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल यानी NCERT ऑफिशियल के लाइव चैट में भी जाकर अपने मैसेजेस या सुझाव हमें ड्रॉप कर सकते हैं। और जैसा कि हमेशा की तरह होता है हमारे इस सत्र में योग शक्ति कार्यक्रम में दो खास मेहमान उपस्थित होते हैं, तो आज भी हमारे साथ खास मेहमान उपस्थित हैं, तो हम मिलवा देते हैं आपसे। तो आज के हमारे एक्सपर्ट है मिस्टर भूपनेश कुमार। भूपनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भूपनेश जी। योगा इंस्ट्रक्टर हैं MDNY में, मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में। और जो भूपनेश जी योग और योगासन क्रियाएं बताएंगे उन्हें करके दिखाएंगे हमारे डेमोन्स्ट्रेटर मिस्टर गोपाल शर्मा। गोपाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। गोपाल जी हैं MSc स्टूडेंट MDNY में ही। तो हम देर नहीं करते हैं और शुरुआत करते हैं आज का सत्र। हमें उम्मीद है कि आप इस समय तैयार हैं हमारे साथ योगासन करने के लिए। तो हम रुक करते हैं मिस्टर भूपनेश की तरफ। तो भूपनेश जी, जैसा कि हम बात करने वाले हैं आज योगा फॉर हेल्दी जॉइंट्स के लिए, तो वो कौन से तमाम आसन, योगासन क्रियाएं हैं जो आज हम करने वाले हैं, कैसे करना है, किस तरह से करना है और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, वो हम जानते हैं इस सत्र में। तो सत्र की शुरुआत हम लोग करते हैं। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में रखें, आँखें कोमलता से बंद करें, पूरा ध्यान अपने श्वास प्रश्वास के ऊपर लगा कर रखें। लंबा धीमा गहरा श्वास प्रश्वास करें। सत्र की शुरुआत प्रार्थना से करेंगे। श्वास भरेंगे, हो सङ्गच्छद्वं सङ्गदद्वं संवो मानसि जाने यथा पूर्वे संजानना उपाशते संजानना उपासते।
शान्तेः शान्तेः शान्तेः। इसी के साथ दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें, धीरे से आंखों के ऊपर लगाएं, फेस के ऊपर लगाएं और धीरे से आंखें खोलें। सो सबसे पहले हम लोग सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास करेंगे। अपने मैट पर खड़े हो जाएं। पहला अभ्यास है ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया। ग्रीवा शक्ति विकासक के लिए श्वास ले नॉर्मल, श्वास छोड़ते हुए अपनी गर्दन को राइट की तरफ लेकर जाएं, इनहेल करें, श्वास भरें, सेंटर में आएं, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट, श्वास भरें सामने, श्वास छोड़ते हुए राइट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल करें सेंटर में आए। इसके बाद ग्रीवा शक्ति विकासक का सेकंड अभ्यास करेंगे। श्वास नॉर्मल लेंगे, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे लेकर जाएं, चिन लॉक लगाएं, इनहेल अप, पूरा ऊपर लेकर जाएं गर्दन, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल सेंटर। धीरे से दोनों पैरों के बीच में गैप करें, दोनों हाथ सामने रखें, कुछ समय के लिए विराम करें, आंखें बंद कर रखें, हाथ नीचे रखें, विराम करें, हथेलियां सामने की तरफ, आंखें बंद रखें, विराम करें। नेक्स्ट अभ्यास की तरफ चलते हैं। आंखें खोल लें, दोनों पैरों को मिलाएं। नेक्स्ट अभ्यास है भुजवली शक्ति विकासक क्रिया। भुजवली शक्ति विकासक क्रिया के लिए धीरे धीरे श्वास भरें और श्वास भरते हुए अपने हाथों को साइड से ऊपर की तरफ उठाएं, हथेलियां बाहर की तरफ रहेंगी, सर के ऊपर तक लेकर जाएं, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन। धीरे से नीचे लेकर जाएं, फिर दोबारा से पैरों के बीच में गैप करें, श्वास प्रश्वास नॉर्मल, रिलैक्स करें, आंखें बंद रखें। धीरे से आंखें फिर से खोल लें, दोनों पैरों को मिलाएं। नेक्स्ट अभ्यास हम लोग करेंगे, अभ्यास का नाम है कोहनी शक्ति विकासक क्रिया। पहले अपने हाथों का फिस्ट बनाएं, वेरी गुड, श्वास भरते हुए अपने हाथों को बेंड करें, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, 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 एक्सहेल डाउन एंड रिलैक्स। दोनों पैरों के बीच में फिर गैप करें, हाथों को खोल लें, सामान्य श्वास प्रश्वास, आंखें बंद रखें।
नेक्स्ट अभ्यास हम लोग करेंगे, अभ्यास का नाम है मणिबंध शक्ति विकासक क्रिया। दोनों पैरों को मिला लें, फिर से आंखें खोल लें, दोनों हाथों को सामने शोल्डर के सामने लेकर आए, फिस्ट बनाए। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे इसका, श्वास भरेंगे, अपने फिस्ट को ऊपर करें, अप डाउन, श्वास छोड़ते हुए, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, 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 इनहेल अप, एंड रोटेशन स्टार्ट करें। अभी क्लॉकवाइज रोटेशन स्टार्ट करें। इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन स्टार्ट करें, इसका रिवर्स करें। धीरे से रिलैक्स करें और धीरे धीरे हाथों को नीचे लेकर जाएं। पैरों के बीच में फिर से गैप करें, सामान्य श्वास प्रश्वास और हथेलियां सामने की तरफ, आंखें बंद, रिलैक्स करें। नेक्स्ट अभ्यास हम लोग करेंगे, अभ्यास का नाम है कटी शक्ति विकासक क्रिया। दोनों पैरों को मिलाएं, आंखें खोल लें, राइट हैंड का फिस्ट बनाएं, कमर के पीछे रखें, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की कलाई को पकड़ें, धीरे धीरे श्वास भरें, पीछे जाएं जितना पीछे आप जा सकते हैं, और श्वास छोड़ते हुए पूरा 90 डिग्री से खींचते हुए शरीर को आगे की तरफ झुकाएं जितना आप नीचे की तरफ लेकर जा सकते हैं। आंखें खुली रहेंगी, श्वास भरेंगे, फिर से ऊपर आए, पीछे जाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे आए, श्वास भरते हुए ऊपर, पीछे जाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएं, श्वास भरें, ऊपर आए, पीछे जाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएं, श्वास भरें और सेंटर में आ जाएं। हाथों को रिलीज करें, पैरों के बीच में गैप करें, हथेलियां सामने, आंखें बंद, पूरा ध्यान अपने श्वास प्रश्वास के ऊपर लगा कर रखें और विराम करें। नेक्स्ट अभ्यास हम लोग करेंगे, अभ्यास का नाम है जंघा शक्ति विकासक क्रिया। धीरे से अपनी आंखें खोल लें, पैरों के बीच में शोल्डर लेवल का गैप रखें, हथेलियां के ऊपर, हथेलियां अपने थाई के ऊपर रखें, श्वास भरते हुए अपने हाथों को सामने की तरफ से उठाएं, श्वास छोड़ते हुए नी बेंड करें, आपकी थाई पैरेलल टू द ग्राउंड होगी, सामान्य श्वास प्रश्वास इसी के अंदर करें। जंघा शक्ति विकासक की नी मूवमेंट है ये, सामान्य श्वास प्रश्वास। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर आए और श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेकर जाएं। पैरों के बीच में गैप ही है, हाथों को हथेलियों को सामने रखें, आंखें बंद करें और विराम करें। नेक्स्ट अभ्यास हम लोग आसनों की तरफ चलते हैं। दोनों पैरों को मिला लें। सबसे पहला आसन है ताड़ासना। समस्थिति पोजीशन में खड़े रहें, दोनों पैर बिले हुए, दोनों हथेलियां आपके थाई से चिपके हुए, श्वास भरते हुए अपने हाथों को शोल्डर लेवल तक लेकर आएं, वाइड योर फिंगर्स, फिंगर्स को खोलें, इंटरलॉक करें फिंगर्स को, टर्न करें आउटसाइड, बाहर की तरफ निकालें, और श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर की तरफ लेकर आए सर के पास, और इनहेल करें हील्स अप,
किसी एक पॉइंट पर देखें, सामान्य श्वास प्रश्वास। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हील्स डाउन करें, हाथ के हथेलियों को सामने की तरफ लेकर आएं, इनवर्ड करें हथेलियों को, रिलीज करें फिंगर्स को और धीरे धीरे हाथों को नीचे की तरफ लेकर आएं। पैरों के बीच में गैप करें, फिर से विराम करें। सामान्य श्वास प्रश्वास करते हुए हथेलियां सामने, आंखें बंद, सामान्य श्वास प्रश्वास। नेक्स्ट आसन हम लोग स्टैंडिंग आसन में एक और आसन करेंगे। आसन का नाम है ऊर्ध्वहस्तोत्तान आसना। दोनों पैरों को मिला लें, आंखें खोलें, दोनों हाथों को समस्थिति पोजिशन में रखें, श्वास भरते हुए हाथों को फिर से सामने की तरफ लेकर आएं, वाइड योर फिंगर्स, फिंगर्स को खोलें, इंटरलॉक करें फिंगर्स को, टर्न करें आउटसाइड, इनहेल करें, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लेकर आएं और श्वास छोड़ते हुए अपनी बॉडी को बेंड करें लेटरल साइड में, राइट साइड। किसी एक पॉइंट के ऊपर देखें, सामान्य श्वास प्रश्वास इसमें करें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर आएं, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट की तरफ जाएं, इसमें भी सामान्य श्वास प्रश्वास करें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए सेंटर में आए, हाथों को नीचे लेकर जाएंगे, हथेलियों को इन्वर्ट करें, फिंगर्स को रिलीज करें और धीरे धीरे हाथों को नीचे लेकर जाएं। पैरों के बीच में गैप करें, हथेलियां सामने की तरफ, आंखें बंद, सामान्य श्वास प्रश्वास। नेक्स्ट अभ्यास है, अभ्यास का नाम है अर्ध चक्र आसना। अर्ध चक्र आसन के लिए दोनों पैरों को फिर से मिलाएं, आंखें खोल लें, समस्थिति पोजीशन में खड़े हो जाएं, धीरे से दोनों हाथों को बेंड करें और कमर के ऊपर रखें, उंगलियां आपकी आगे होंगी, थंब आपकी पीछे होगी, कोहनियों को थोड़ा सा अंदर करें, श्वास भरें, पीछे जाएं जितना आप जा सकते हैं, अपनी क्षमता के अनुसार पीछे जाएं और इस अवस्था में सामान्य श्वास प्रश्वास करें। श्वास छोड़ते हुए वापस पोजीशन में आए, धीरे से हाथों को नीचे रखें समस्थिति पोजीशन में, पैरों के बीच में गैप करें, हथेलियां सामने, सामान्य श्वास प्रश्वास और रिलैक्स करें, आंखें बंद रखें। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे पाद हस्त आसना। दोनों पैरों को फिर से मिलाएं, आंखें खोलकर रखें, समस्थिति पोजीशन में पहले आएं, धीरे से दोनों हाथ अपने थाई के ऊपर रखें, धीरे धीरे अपने हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठाएं, सर के पास लेकर आएं और श्वास छोड़ते हुए पूरा शरीर आगे की तरफ खींचते हुए लेकर जाएं नीचे। अपनी क्षमता के अनुसार अभ्यास करेंगे। इस आसन को पाद हस्त आसन बोला जाता है। सामान्य श्वास प्रश्वास आसन में रखेंगे, नॉर्मल ब्रेथ। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर आए और श्वास छोड़ते हुए हाथों को सामने की तरफ से ही नीचे लेकर जाएं, पैरों के बीच में गैप करें,
सामान्य श्वास प्रश्वास, हथेलियां सामने, आंखें बंद, विराम करें। नेक्स्ट अभ्यास हम लोग करेंगे, अभ्यास का नाम है कटी चक्र आसना। कटी चक्र आसना के लिए दोनों पैरों के बीच में शोल्डर लेवल का गैप ही रखें, आंखें खोल कर रखें, दोनों हाथ अपने थाई के पास रखें, श्वास भरते हुए अपने हाथों को सामने की तरफ उठाएं, हथेलियां आमने सामने, श्वास छोड़ते हुए बॉडी को राइट की तरफ टर्न करें और अपने पीछे राइट साइड में देखें। सामान्य श्वास प्रश्वास इस अवस्था में करें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए सामने आए, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ जाए। सामान्य श्वास प्रश्वास अवस्था में करें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए सामने आए और श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे रखें, हथेलियां सामने की तरफ, आंखें बंद करें, रिलैक्स करें। नेक्स्ट वन हम लोग सिटिंग के आसन करेंगे। धीरे से नीचे बैठ जाएं, दंड आसन में बैठें, पैरों को सीधा रखें, कमर को सीधा रखें, दोनों हाथ आपके हिप रीजन के पास, फर्स्ट आसन करेंगे। आसन का नाम है भद्र आसना। धीरे धीरे श्वास भरें और अपने पैरों को बेंड करें, जॉइन और बोथ द सोल, सोल को मिलाकर रखें, इंटरलॉक करें फिंगर्स को और अपने टोज के ऊपर रखें, इंटरलॉक कर फिंगर्स को अपने टोज के ऊपर रखें। सामान्य किसी एक पॉइंट पर देखें और सामान्य श्वास प्रश्वास करते रहें। इस आसन को भद्र आसन बोला जाता है। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें, अपने हाथों को साइड में रखें, बटक्स के पास रखें और धीरे धीरे अपने पैरों को सीधा करें। दंडासना में, दंडासन में ही बैठे रहें। नेक्स्ट आसन हम लोग करेंगे, आसन का नाम है वज्र आसना। वज्रासन के लिए सबसे पहले श्वास भरते हुए अपने राइट पैर को फोल्ड करें और पीछे लेकर जाएं। धीरे धीरे अपने लेफ्ट लेग को फोल्ड करें और पीछे लेकर जाएं। आपके पैर के अंगूठे मिले हुए, दोनों हाथ अपने घुटनों के ऊपर रखें, आप चाहें तो किसी आंखें भी इसमें बंद कर सकते हैं। सामान्य श्वास प्रश्वास करते रहें। इस आसन को वज्र आसना बोला जाता है। नेक्स्ट वज्रासन की सीरीज से किए जाने वाले आसन का एक और का अभ्यास करेंगे। धीरे से आंखें खोल लें और नील डाउन पोजीशन में आए, उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। घुटनों के बल खड़े हो जाएं, दोनों हाथ थाई के ऊपर ही रहेंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपने राइट हैंड को पीछे लेकर जाएं,
और राइट हैंड को अपने सोल के ऊपर रखें। धीरे धीरे अपने लेफ्ट हैंड को भी पीछे लेकर जाएं और अपने लेफ्ट हैंड को भी लेफ्ट सोल के ऊपर रखें। गर्दन पीछे की तरफ, आंखें खुली हुई। इस आसन को उष्ट्र आसन बोला जाता है। सामान्य श्वास प्रश्वास इसमें करते रहें। जिस प्रकार से हम लोग गए थे उसी प्रकार से वापस आएंगे। धीरे धीरे राइट हैंड को लेकर आएं और धीरे धीरे अपने लेफ्ट हैंड को भी लेकर आएं। धीरे से फिर से वज्र आसना में बैठ जाएं। आंखें बंद करें, सामान्य श्वास प्रश्वास करें, विराम करें। इसी अवस्था में नेक्स्ट वन उष्ट्र आसन का काउंटर पोज करेंगे। आसन का नाम है शशांक या शशक आसन आप बोल सकते हैं। दोनों पैरों के अंगूठे मिले हुए और धीरे से अपनी आंखें खोल लें। पैरों के बीच में, घुटनों के बीच में गैप करें जितना आप कर सकते हैं। अपने हाथों को जमीन पर रखें घुटनों के बीच में और श्वास भरते हुए अपने शरीर को आगे की तरफ लेकर जाएं। आप चाहें तो अपना चिन ग्राउंड पर रख सकते हैं। सामान्य श्वास प्रश्वास इस अवस्था में करें। इस आसन को शशक आसन बोला जाता है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर आएं, अपने हाथों को अपने शरीर के पास लेकर आएं और धीरे धीरे अपने घुटनों को भी मिला लें। वज्रासना में कुछ समय के लिए विराम करें। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रखें, आंखें बंद रखें और नॉर्मल श्वास प्रश्वास करें। नेक्स्ट अभ्यास हम लोग करेंगे। अभ्यास का नाम है मार्जरी आसना। धीरे से वज्रासन से ही अपने घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों हाथ अपने शोल्डर के नीचे रखें। पैरों को चाहें तो फ्लैट कर सकते हैं आप। श्वास भरेंगे, हेड अप करेंगे और कमर अंदर होगा। आप पूरा ऊपर देखने की कोशिश करें। श्वास छोड़ते हुए हेड डाउन और कमर को पूरा ऊपर उठाएं। श्वास भरें अप, कमर को अंदर। इस आसन को मार्जरी आसन बोला जाता है। श्वास छोड़ते हुए हेड डाउन, कमर ऊपर करें। श्वास भरें हेड अप, कमर नीचे। श्वास छोड़ें हेड डाउन, कमर ऊपर। श्वास भरें, धीरे से वापस आ जाएं, वज्रासना में बैठ जाएं। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, आंखें बंद, सामान्य श्वास प्रश्वास। धीरे से अब हम लोग प्रोन लाइंग आसन करेंगे। सबसे पहला आसन है मकर आसना। मकर आसन में लेटेंगे, आंखें खोल लें। मकर आसन में लेटेंगे, मकर आसन। लेफ्ट हैंड को नीचे ग्राउंड पर रखें, राइट हैंड उसके ऊपर रखें और फिर अपने राइट वाले गाल को उसके ऊपर रखें। हील फेसिंग इनवर्ड,
आंखें बंद रखें, कुछ समय मकर आसन में विराम करें। इस आसन को मकर आसन बोला जाता है। नेक्स्ट आसन मकर आसन से ही किए जाने वाले आसन का अभ्यास करेंगे। आसन का नाम है भुजंग आसना। दोनों पैरों को मिला लें, दोनों हाथों को अपने शोल्डर के नीचे रखें, कॉर्निया आपके शरीर से मिली हुई, श्वास भरते हुए अपने हेड एंड चेस्ट को ऊपर की तरफ उठाएं। नेवल सेंटर आपका ग्राउंड पर रहेगा। ऊपर की तरफ जितना देखने की कोशिश कर सकते हैं करें, और इसी अवस्था में सामान्य श्वास प्रश्वास करते रहें। इस आसन को भुजंग आसन बोला जाता है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस मकर आसन की अवस्था में आए। हील फेसिंग इनवर्ड रखें, सामान्य श्वास प्रश्वास। धीरे धीरे हम लोग नेक्स्ट आसन की तरफ चलते हैं। आसन का नाम है शलभ आसना। शलभ आसन के लिए दोनों पैरों को मिलाएं, अपने चिन्ह को ग्राउंड पर रखें और अपने दोनों हाथों को अपनी थाई के नीचे लेकर जाएं। हथेलियां जमीन से रहेंगी टच। श्वास भरते हुए अपने पैरों को जितना आप ऊपर की तरफ उठा सकते हैं उठाएं, लेकिन घुटने आपके सीधे रहेंगे। इस अवस्था में बने रहें कुछ समय के लिए। इस आसन को शलभ आसन बोला जाता है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस जाएं, अपनी पोजीशन में आएं और धीरे से मकर आसन में फिर से विराम करें। नेक्स्ट आसन हम लोग करेंगे, सुपाइन लाइंग आसनों का अभ्यास करेंगे। उसमें सबसे पहला आसन हम लोग करेंगे अभी शवासना। धीरे से कमर की तरफ से लेट जाएं, दोनों पैरों के बीच में गैप करें, हथेलियां ऊपर की ओर, सामान्य श्वास प्रश्वास। सबसे पहला अभ्यास होगा इसमें अर्धहल आसना। अर्धहल आसन के लिए धीरे से दोनों पैरों को मिलाएं, हथेलियां अपने हिप रीजन के पास में रखें डाउनवर्ड। श्वास भरते हुए अपने पैरों को जमीन से 90 डिग्री की तरफ लेकर आएं, पूरा सीधा करने की कोशिश करें पैरों को। और इसी अवस्था में सामान्य श्वास प्रश्वास करें। इस आसन को अर्धहल आसन बोला जाता है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को नीचे की तरफ लेकर जाएं,
पैरों के बीच में गैप, हथेलियां ऊपर की तरफ, शवासन करें। धीरे धीरे नेक्स्ट आसन की तरफ चलते हैं। आसन का नाम है पवन मुक्त आसना। पवन मुक्त आसन के लिए अपने पैरों को फिर से मिलाएं, हथेलियां अपने हिप रीजन के पास में रखें, श्वास भरते हुए अपने पैरों को जमीन से 90 डिग्री की तरफ लेकर आएं पहले, और धीरे धीरे अपने पैरों को बेंड करें, अपने फिंगर्स को इंटरलॉक करें और टीबिया बोन्स के ऊपर अपना रखें, पूरा अपने चेस्ट की तरफ लेकर आए अपने पैरों को, और श्वास भरते हुए अपने सर को उठाएं। कोशिश करें कि आपकी जो नोज है वो दोनों घुटनों के बीच में रहे। इस अवस्था में कुछ समय के लिए बने रहें। इस आसन को पवन मुक्त आसन बोला जाता है। श्वास छोड़ते हुए पहले अपने गर्दन को नीचे जमीन की तरफ लेकर आए, धीरे धीरे हाथों को रिलीज करें और जमीन पर रखें, पैरों को सीधा करें 90 डिग्री में, और श्वास छोड़ते हुए भी पैरों को धीरे से जमीन की तरफ लेकर जाएं। पैरों के बीच में गैप करें सामान्य श्वास प्रश्वास। नेक्स्ट वन अभ्यास हम लोग करेंगे। अभ्यास का नाम है सेतु बंद आसना। सेतु बंद आसन के लिए धीरे से अपने पैरों को सीधा करते हुए बेंड करें। कैच योर एंकल्स बाय रिस्पेक्टिव हैंड, अपने एंकल्स को पकड़ें और श्वास भरते हुए अपनी कमर को जितना आप ऊपर की तरफ उठा सकते हैं उठाएं। इस आसन को सेतु बंद आसन बोला जाता है। कुछ समय सेतु बंद आसन की अवस्था में बने रहें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर को नीचे की तरफ लेकर जाएं। दोनों पैरों को रिलीज करें, पैरों को सीधा करें, पैरों के बीच में गैप करें, हथेलियां ऊपर की तरफ, सामान्य श्वास प्रश्वास। इस अवस्था को शवासन बोला जाता है। कुछ समय के लिए शवासन में विराम करें। धीरे से अपने लेफ्ट साइड की करवट लें, उठकर बैठें, किसी भी ध्यानात्मक अवस्था में बैठ जाएं, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रखें ज्ञान मुद्रा में, क्रिया करेंगे कपाल भाती क्रिया, आंखें बंद रखें। अभी अपना सारा ध्यान अपनी श्वास प्रश्वास के ऊपर लगा कर रखें। कपालभाति क्रिया आरंभ करेंगे, श्वास भरें और फोर्सफुली एक्सहेल करते रहें।
पूरा ध्यान अपने श्वास छोड़ने पर लगाते रहें। इस अभ्यास को कपालभाति बोला जाता है। पूरा एक्सहेल करें और रिलैक्स करें, सामान्य श्वास प्रश्वास। एक बार पुनः फिर से कपालभाति क्रिया का अभ्यास करेंगे। सामान्य श्वास प्रश्वास लें और श्वास छोड़ते हुए स्टार्ट करें। पूरा एक्सहेल करें और विराम करें, सामान्य श्वास प्रश्वास रिलैक्स करें। नेक्स्ट अभ्यास हम लोग करेंगे प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। राइट हैंड का प्रणव मुद्रा बनाएं या नासिकाग्र मुद्रा बनाएं। धीरे से अपने राइट नोस्ट्रल्स को बंद करें राइट अंगूठे से। धीरे धीरे लेफ्ट से श्वास भरें, लेफ्ट को बंद करें। धीरे धीरे श्वास राइट से छोड़ें और धीरे धीरे श्वास भरें राइट साइड से, और राइट साइड को भी बंद करें और धीरे धीरे श्वास छोड़ें लेफ्ट साइड। इसी अभ्यास को दोहराते रहें। धीरे धीरे लेफ्ट साइड से राउंड को कंप्लीट करें और हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखें, सामान्य श्वास प्रश्वास। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम के लिए वाइड करें टीथ को और श्वास भरें, खींचें श्वास भरें। धीरे से एक्सहेल करें नोज से, फिर से श्वास भरें माउथ से। एक्सहेल करें नोज से, धीरे धीरे फिर से श्वास भरें और एक्सहेल करें नोज से। लास्ट रिलैक्स करें, लास्ट प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम का नाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए अपने इंडेक्स फिंगर से अपने कानों को बंद करें, सिर्फ 3 बार करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए मकार ध्वनि का उच्चारण करें। Thank you.
धीरे धीरे भ्रामरी प्राणायाम को विराम दें। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में रखें, शांति पाठ करेंगे। हो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्तिहि शान्तिहि शान्तिहि। कुछ समय के लिए इसी अवस्था में बने रहें। अपने इष्ट देव माता पिता गुरुजन को नमन करें सर झुकाकर। दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें, रब योर पाम्स। प्लेस इट ऑन योर आईज, आंखों के ऊपर रखें, फेस के ऊपर रखें और धीरे से आंखें खोलें। नमस्ते जी। भूपनेश जी, बहुत बढ़िया, आज आपने हमारे दर्शकों को आसन प्राणायाम क्रिया बताई और हम उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों ने ज़रूर देखा होगा और लाभ लिया होगा। आज के सत्र के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे हमारे आज के एक्सपर्ट मिस्टर भूपनेश कुमार, योगा इंस्ट्रक्टर MDNY से थे। और आज हम बात कर रहे थे योगा फॉर हेल्दी जॉइंट्स की, और इन्हें डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया था मिस्टर गोपाल शर्मा ने। तो गोपाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो दर्शकों, किसी कारणवश यदि आज हमारा ये सत्र आप नहीं देख पाए तो आप पुनः रात्रि 8 बजे इसे देख सकते हैं प्रधानमंत्री ई विद्या चैनल नंबर 6 से 12 पर, और हमारे YouTube चैनल यानी NCERT ऑफिशियल के प्लेलिस्ट में यह हमेशा उपलब्ध रहता है। आप कोई सा भी वीडियो देख सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट में जाकर योग शक्ति की प्लेलिस्ट देख सकते हैं और तमाम योगासन क्रियाओं का लाभ ले सकते हैं। और अपने जीवन में योग को शामिल कीजिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारी यही ईश्वर से प्रार्थना है। तो आज के सत्र के लिए हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।